अब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे एमसील को कैसे यूज किया जाता है। ये एमसील है, इसको हमने पहले भी देखा है बेसिक चैप्टर में। इसमें आपके पास में दो केमिकल्स होते हैं, ये इसमें दो केमिकल्स हैं अलग अलग कलर के। एक इसमें ये ग्रे कलर का केमिकल होता है, और एक इसमें ये हल्का सा व्हाइट कलर का ये केमिकल है। तो ये दो केमिकल जब तक सेपरेट रहते हैं ये बहुत टाइम तक चलते हैं। अब जब हमें मान लीजिए कि ये यहां पे मान लीजिए कि यहां पे लीकेज है और हम इसको बहुत ही कम लीकेज है और हम इसको खोलना नहीं चाहते, या हमारे पास में टाइम नहीं है, या ऐसी सिचुएशन है कि ये खोलने लायक नहीं है, ये पूरा दीवार के अंदर है। अगर दीवार के अंदर है तो हम उसको कर नहीं सकते कुछ भी। यहां पे मान लीजिए अगर लीकेज है, और अभी हम ये मान लेते हैं कि अभी हम इसको खोल नहीं सकते इसको, तो हम क्या करेंगे, यहां पर एमसील लगाएंगे। हमें क्या करना है, एमसील को जितना इसमें लगाना है उतनी क्वांटिटी अंदाजे से हम देखेंगे, तो हम इसको बराबर बराबर क्वांटिटी में ये चाकू से इसको काट लेंगे। जैसे हमने ये काट लिया, इतना ही हम क्वांटिटी में दूसरा जो केमिकल है उसको भी काटेंगे। अब हम इन दोनों केमिकल्स को आपस में मिक्स कर देंगे। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करेंगे आप तो इन दोनों का कलर जो है वो ग्रे कलर का इस तरीके से ये बन जाएगा। अब जहां पर ये लीकेज है इसके ऊपर हम ये इसको एमसील को ऐसे लगा देंगे। ये हाथ में बहुत चिपकता है, इसलिए इसमें आपको थोड़ा सा सफाई से काम करना पड़ेगा। ये यहां पे इसको लगा दिया, अब यहां पर ये एमसील लग गया। अभी आपको ये पाइप सप्लाई लाइन बंद करके रखनी है। अब इसको हम एक काम कर सकते हैं कि ये आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा शाइनी सा अच्छा सा सरफेस नहीं है, तो इसको करने के लिए हमारे पास में एक तरीका है। हम ये हल्का सा सरसों का तेल ले सकते हैं या कोकोनट का। इसको हल्का सा आप हाथ में लीजिए, इसको हल्का सा उंगली पे लगाइए और ये उंगली से इसको हल्का सा ऐसे से दबाइए, इसको आप दबाएंगे तो ये इसकी शेप जो है आप इसको अच्छी शेप दे सकते हैं, मतलब इसकी स्मूथ शेप आ जाएगी, क्योंकि अब आपके हाथ से चिपकेगा नहीं। ये इसलिए इसकी शेप आती है क्योंकि हाथ से चिपक जाता है और जैसे आप हाथ हटाते हैं तो ये ऊपर की तरफ आने लगता है, तो इससे अब आप इसको अच्छी शेप दे सकते हैं। ये देखिए अब ये शेप आपकी इसकी बहुत शाइनी सी हो गई है और ये दिखने में भी अच्छा लग रहा है। तो यहां पर ऐसे एमसील को यूज किया जा सकता है। मान लीजिए कि अगर यहां पर कहीं पर आपकी कोई आपके चोट लग गई है किसी ऑब्जेक्ट से और यहां पर हल्का सा छेद बेंड हो गया और यहां पे लीक कर रहा है, तो इसी तरीके से एमसील यहां पे लगाकर इसको पूरा बंद कर सकते हैं। लेकिन इसको कम से कम नहीं तो 5 या 6 घंटे इसको हवा में सूखने दें, उसके बाद आप पाइपलाइन को आप खोल सकते हैं। अगर उससे पहले जो है ये काम नहीं करता है, इसको सूख कर सख्त होने के लिए 5-6 घंटे कम से कम इसको हवा में चाहिए एमसील को।
तो एमसील एक तरीके से आपका टेम्परेरी अरेंजमेंट है, लेकिन फिर भी बहुत साल से निकल जाते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप एमसील को बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं वहां पर जहां पर आपको पार्ट कोई आपको चेंज नहीं करना है या चेंज करने में आपको काफी प्रॉब्लम है, मतलब उसमें काफी कोई तोड़ वगैरह तोड़ना पड़ेगा, दीवार तोड़नी पड़ेगी या कुछ ऐसा कुछ करना पड़ रहा है, इतना आसान नहीं है, तो आप वहां पे आप सीधा एमसील को यूज कर सकते हैं।